रिसेंटली जैसलमेर में इंडियन बिल्ट एयरक्राफ्ट तेजस पहली बार क्रैश हुआ, लेकिन पायलट सेफली बाहर आ गया विद द हेल्प ऑफ इजेक्शन सीट टेक्नोलॉजी। इसी सेम टेक्नोलॉजी का यूज विंग कमांडर अभिनंदन ने भी किया था जब उनके MiG-21 Bison को पाकिस्तान के F-16 ने अटैक कर दिया था। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो हाउ इजेक्शन सीट्स वर्क। इजेक्शन सीट का यूज पायलट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनका एयरक्राफ्ट के ऊपर कंट्रोल लूज हो जाता है। तो सिंपली पुट, जिस सीट के ऊपर बैठकर पायलट एयरक्राफ्ट चला रहा होता है, क्रैश होने की स्थिति में वो सीट के साथ ही पायलट बाहर आ जाता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कैनोपी को लिफ्ट या फिर एक्सप्लोर किया जाता है ताकि पायलट कॉकपिट में से बाहर आ सके। इजेक्शन प्लान करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड 1 Mach से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड व्हिच इज इक्वल टू 750 mph, अदरवाइज पायलट की जान को खतरा भी हो सकता है। इमीडिएटली लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेग रिस्ट्रेंट भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सारा कुछ विद इन सेकंड्स ही हो जाता है। इसके बाद सीट के नीचे लगा रॉकेट एक्टिवेट हो जाता है जो पायलट को एक सर्टन हाइट तक ऊपर लेके जाता है। उसके बाद फाइनली फिर पैराशूट डिप्लॉयमेंट होती है जिसकी हेल्प से पायलट की सेफ लैंडिंग हो पाती है।